तपकेश्वर महादेव की जो गुफा है उसमें हम अंदर आ चुके हैं। वो बहुत ही दुर्गम गुफा है और बहुत ही स्पेस कम है इस पर। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों शिवपुरी ज़िले में पिछोर तहसील में एक बहुत ही भव्य और एक बहुत ही दिव्य स्थान है जो कि दोस्तों है तपकेश्वर महादेव। और एक्चुअली में आज शिवरात्रि का मौका है और हमारा आना हुआ है, तो आज हम आपको तपकेश्वर महादेव के टोटल व्यू दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए। और यहाँ पर लगभग एक पहाड़ी पर ये स्थान बसा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुना जिले में केदारनाथ धाम है, वो भी इसी प्रकार की पहाड़ियों में तलहटियों में बसा है और लगभग वहाँ पर भी झरने भरते हैं जो कि बारिश में होते हैं। तो यहाँ पर भी हम आए हैं, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है और कैसे सीन है, वो आपको टोटल दिखाऊँगा। दोस्तों फाइनली मैं तपकेश्वर महादेव आ चुका हूं और लगभग अंदर भोलेनाथ पिंडी रूप में विराजमान है और अंदर गुफा है, वहां पर बहुत सारा पानी वगैरह है, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए मैं जो यहां पर खड़ा हूं, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में वही गुफा है जहां पर तपकेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। तो हम चलेंगे अभी और तपकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे, और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आज, क्योंकि एक्चुअली में महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर मैंने आपको कभी ना कभी कोई ना कोई शिव मंदिर दिखाया है जो कि दोस्तों अद्भुत होता है और प्राचीन होता है। इससे पहले मैं केदारनाथ धाम दिखा चुका हूँ आपको, अमरनाथ धाम भी दिखा चुका हूँ, तो आज मैं आया हूँ दोस्तों तपकेश्वर महादेव। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यही वो गुफा है जहाँ पर तपकेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। तो चलिए हम देखेंगे, थोड़ा सा अंधेरा है, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे दिखाने की। दोस्तों आप ये महाशिवरात्रि पर शिवपुरी ज़िले के तपकेश्वर महादेव के दर्शन करिए, और ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, देख सकते हैं आप। तपकेश्वर महादेव की जो गुफा है उसमें हम अंदर आ चुके हैं, वो बहुत ही दुर्गम गुफा है और बहुत ही स्पेस कम है, इस पर खड़े होने के लिए तक जगह नहीं है, लेकिन फिर भी झुक कर भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि पर लगभग जितने भी प्राचीन शिवलिंग होते हैं या शंकर जी के स्थान होते हैं वहाँ पर ऐसा ही मेला लगता है जो कि भक्तों का तांता लगता है, और लगभग जितनी भी जगह हैं भारत में शिवरात्रि पर वहाँ पर भक्तों का ऐसा ही तांता लगता है। तो ये बहुत ही प्राचीन स्थान है जो कि दोस्तों शिवपुरी ज़िले में है स्थित, और इसका नाम है तपकेश्वर महादेव। और आप मेरी व्यू देख लीजिए, मैं गुफा में अंदर हूँ। तो दोस्तों इस जगह पर हमको महंत जी हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनसे इस जगह की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आप आपका परिचय दीजिए और इस जगह की जानकारी दीजिए कि जगह कितनी पुरानी है और लगभग यहां पर क्या चीज़ प्रसिद्ध है जो कि भोलेनाथ पर लगभग शिवरात्रि पर मेला भरता है, हर शिवरात्रि को भरता है या पूर्णिमा पर भरता है, इस टोटल आप इस यहाँ की जानकारी मुझे दीजिए, आपका परिचय सबसे पहले। यहाँ के स्थानीय महंत दयागिरी हैं, वो कोई और है, लेकिन इस मंदिर से 25 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ। वानप्रस्थी पांडे बाबा मेरा नाम है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पौराणिक मतानुसार दंडकारण वन पुष्कर क्षेत्र में ये स्थित है, मध्य भारत, दंडकारण वन पुष्कर क्षेत्र पौराणिक में कहा गया है, इसका उल्लेख है।
यह उल्का पिंड ये पहाड़ से बना है। 2.5 अरब बरस पहले एक उल्का पिंड गिरा था जिससे ये पहाड़ निर्मित है वैज्ञानिक मतानुसार, और तब से यहाँ शिवलिंग की स्थापना है। सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग चारों युगों का यह अकेला पहाड़ इतिहास है, गवाह है। और वैसे मध्य भारत, मध्य प्रदेश, शिवपुरी जिला, तहसील पिछोर और ग्राम मुहार और ढला के बीच ये मध्य पहाड़ है जो इसमें अपना अद्भुत है समेटे हुए। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमको जो कि भ्रमण करने वाले साधु बोल सकते हैं, आप सन्यासी बोल सकते हैं, यहाँ के ग्रामीण को भी जो बोल सकते हैं, उन्होंने जो हमको जानकारी दी है लगभग संपूर्ण जानकारी दे दी है। और ये स्थान वो लगभग बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी है। और हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं दुबे जी, तो आइए हम इनसे और बात करेंगे। और यहाँ पर जो है सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर आप श्रावण के महीने में अवश्य पधारें। श्रावण के महीने में यहाँ पर चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, पूरा प्राकृतिक झरने देखने को मिलेंगे, पक्षी पशु पक्षी जानवर सभी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत मनोरम दृश्य होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपने अभी देखा, पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर सबसे पीक सीजन, मतलब अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं, और आने का सबसे अच्छा मौसम बारिश का बता रहे हैं। बारिश में यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है, झरने वगैरह भी झरते हैं और लगभग प्राकृतिक नज़ारे देखने लायक होते हैं। तो हमारे साथ एक और पंडित जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पंडित जी बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार पाठक है, मैं यहाँ का कथावाचक हूँ। सत्यनारायण कथा होती है जो यहाँ आरती मारती सेवा भी करता हूँ यहीं हैं, और मान साहब की सेवा भी करता हूँ। सभी भक्तों के द्वारा जो यहाँ भक्त आते हैं भोलेनाथ उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो इच्छा कर हो मन माही और शिव कृपा का दुर्लभ नाही, माने भोलेनाथ ने जो सोच के सब भक्त आते हैं उनके भोलेनाथ पूरी इच्छा पूर्ण करते हैं। किसी के कोई जो संतान भी नहीं होती तो यहाँ संतान ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि अभी साक्षात प्रणाम है। जो झांसी का एक सेठ था उसके कोई संतान नहीं थी, 70 बरस की उम्र थी उसकी जसोदा मैया जैसी, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की दृष्टि से यहाँ आया वो। उसने प्रार्थना की तो उसके यहाँ लाला हुआ। उसने यहाँ नगर भोज दिया सबको, ब्राह्मणों को सबको। यहाँ भोलेनाथ ने आके उसने ढोक लगाई जहाँ की, तब वो आता है। एक से एक बहुत से भक्त आते हैं यहाँ दूर दूर के। और क्या फेमस है यहाँ पे? जो है कि जल आता है जो टपकता है, जो हजारों जड़ियों बूटियों में से जल आता है। इससे कोई भी सेवन जो जल सेवन करता है तो उससे सब 6 बीमारी रोग दुख सब दूर होते है। कोई सही भी 6 बीमारी हो, इससे अच्छे अच्छे मरीज भी यहाँ का जल सेवन करने से सब 6 बीमारी उनकी दूर हो जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, पंडित जी ने बहुत कुछ हमको बताया और महंत जी ने भी बहुत कुछ बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजाबाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दें। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आज आपको पूरा टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराए, यहाँ का जो भी व्यू था टोटल दिखाया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और आपको और भी अच्छे शानदार वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको किसी अच्छे और ऐसे ही किसी पुरानी और प्रसिद्ध और अद्भुत जगह में। जब तक के लिए आप बने रहिए राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।